गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 7 वचन, जिसे हम एक, अनेक, एक वचन और बहुवचन भी कहते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। वचन क्या है बेटा? जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने की जानकारी मिले या एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। क्या होते हैं वचन? जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। देखो बेटा, एक क्या है? एक जो शब्द एक के बारे में बताए, जो सिर्फ एक के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, वो है एक वचन। वे एक है, यानी कि एक वचन है। और अनेक क्या है? जो दो या दो से अधिक के बारे में बताए, जो दो या दो से अधिक के बारे में बताएं, वे अनेक हैं या फिर बहुवचन है। बहु और अनेक का एक ही मीनिंग है, एक वचन और बहुवचन। अब देखो बेटा, नीचे कुछ मैंने इसके एग्जांपल दिए हैं, एक और ये है अनेक। यहाँ पर सिर्फ एक एक चीज है और यहाँ पर अनेक, यानी कि बहुवचन। चूहा, चूहे, यहाँ है एक चूहा और चूहे, ये दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी। तोता, तोते। पंखा, पंखे। घोड़ा, घोड़े। केला, केले। इस साइड जो लिखे हैं एक के नीचे, वो सब एक के बारे में सूचना दे रहे हैं, एक के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ये सभी चीजें एक एक है। और यहाँ है दो से, दो या दो से अधिक, ये है हमारे बहुवचन या अनेक। कलम, कलमे, ये एक कलम और ये अनेक। लड़का, लड़के। रात, रातें। कहानी, कहानियां। नदी, नदियां। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, वचन बदलो एक, अनेक। आप तो लर्न तो यही करोगे, इसकी डेफिनेशन तो आपको लर्न नहीं करनी, पर आपको एक अनेक आना चाहिए, इसके लिए आपको ये अच्छे से समझाया गया। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस।